हाय देयर, वेलकम टू फ्लोरा फ्रेंजी। आज मैंने सोचा कि मैं आपको अपने फेवरेट चीज़ के बारे में बताती हूँ। सो माय फेवरेट थिंग इज मॉस एंड आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट मॉस इन दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज मॉस, वेयर टू गेट इट फ्रॉम, द क्वालिटी ऑफ मॉस दैट यू शुड बाय, वेयर टू बाय इट फ्रॉम एंड ऑल्सो हाउ टू यूज इट। सो द तंत्रा ऑफ फाइव अगेन। So let's start with what is moss. A moss is a quality of plant which is found in mushy and shady areas and generally in the jungles. In India, if you want to find it, you can find it in the jungles of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttaranchal, J&K. All these places you can actually find moss lying everywhere. So moss is available in more than 12,000 varieties. Though actually when we buy it from the market, you might not find all the varieties, rather you would just find one variety. So moss is a very amazing thing, and recently I had visited Shimla, and in Shimla we stayed in a hotel, and when we went out for a stroll, we found out that all the tree trunks were covered with moss, and I just went crazy and I actually got kits and I scraped all the moss from there and I got it here. So moss is a beautiful thing, and to actually see that with your eyes is mesmerizing. Probably in one of the videos I'm going to take you to Shimla and I'm going to show you all that. Okay, so that was about what is moss. Now where to get moss from? So in our urban city life, you can find it in any of the gardening shops, you can find it in any of the nursery, and you can also order it online. It is available, it is very very lightweight, so you would find big packets of moss which generally contain around 250 grams to 300 grams moss, but the packet would be quite big. So that is the quantity. The quality of moss, okay, so you need to find out कि जब भी आप वहाँ पर जा कर के पैकेट बाज़ार से ले रहे हैं, so do see कि उसके अंदर मिट्टी नहीं होनी चाहिए। You would see पैकेट के अंदर आपको दिखेगा कि वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो रही है, डंडियाँ हैं, पत्ती हैं, that is the kind of adulteration which is found in moss. So try to find out the packet of moss which is absolutely void of any kind of patti and dandi and mitti. Now what is it that moss is used for? So I would tell you that moss is basically used for three things. The first being it contains the moisture, so it does not let moisture evaporate from your pots very easily. तो जब भी आप मॉस लगाते हैं अपने पॉट के अंदर, तो आपको पानी का कंटेंट वो थोड़ा सा वहाँ पर रखता है, मॉइस्चर रिटेन करता है। द सेकेंड इज कि मॉस की वजह से आपकी जो मॉस की वजह से क्या होता है कि आपने जैसे मान लीजिए पहले मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर आपको कुछ स्टोन्स लगाने हैं या टॉयज़ लगाने हैं, तो उसमें अगर आप एक मॉस की लेयर बीच में लगा देते हैं तो आपकी जो मिट्टी है वो चढ़ कर के टॉयज़ के ऊपर और स्टोन्स के ऊपर नहीं जाती है। सो दैट हेल्प्स। द सेकेंड, सो इट यू नो एस्थेटिकली इट जस्ट यू नो बहुत ज़्यादा अच्छा बना देती है, सुंदर दिखने लगते हैं आपके पॉट्स एंड प्लांट्स। द थर्ड थिंग, इट स्टॉप्स सॉइल इरोजन। किसी भी तरीके का जब आप पॉट के अंदर पानी डालते हैं और मॉस अगर उसमें लग रही होती है तो वहाँ से पानी रिस के नीचे जाता है, लेकिन जो मिट्टी होती है वो साथ साथ में नहीं निकलती है। सो आई विल अगेन टेक यू बैक टू द माई होटल। सो व्हेन आई वेंट देयर आई सॉ कि वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े पॉट्स लग रहे थे होटल के अंदर, उन्होंने सब में ही इतनी इतनी लेयर मॉस की लगा रखी थी, एंड इट जस्ट लुक्स मेसमराइजिंग। इट वॉज ब्यूटिफुल टू लुक एट दोज, एंड माई आईज डेफिनेटली एवरी टाइम एंड आई वॉकड इन टू द लॉबी, माई आईज टक्ड ऑन टू दोज पॉट्स फिल्ड विद मॉस। ओके, नाउ टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ टू एक्चुअली यूज़ मॉस। सो मॉस इज नेवर यूज ड्राई। जब आप बाज़ार से मॉस लेकर के आते हैं तो आप उसको सबसे पहले तो निकालें पैकेट में से। डू लुक फॉर इट कि जब आप पैकेट लेकर के आते हैं तो उसमें पैकेट के अंदर मिट्टी, डंडी और पत्ते ना हो। लेकिन जब आप उसे खोलेंगे और आप देखेंगे कि मान लीजिए वहाँ पर मिट्टी और डंडी वगैरह है, तो उसको आप पहले रिमूव कर दें। उसके बाद टेक सम वाटर इन अ कंटेनर एंड फॉर जस्ट लाइक 2-3 मिनट्स सोक इट इन टू द वाटर, एंड यू विल सी हाउ ब्यूटिफुल ग्रीन कलर, और वो बहुत सुंदर सी लगने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे सूखी हुई मॉस के अंदर ना जान डल गई है। सो पानी के अंदर आप उसको 2-3 मिनट बस इतना सा आप उसको भिगाएंगे, और उसके बाद में इट इज़ यू कैन एक्चुअली यूज इट ऑन योर पॉट्स, ऑन योर प्लांट्स। सो
I have actually covered a lot of things in the video. So what is Moss? We have covered the quality to look for, the quantity which is available, where to get it from, and actually how to use it. So I hope next time you go to the market, you will be able to find out the most appropriate packet for you, and also you will be able to use it wisely on your plants. So do let me know, how did you like the video? What do you want me to cover in my upcoming videos? And do drop your comments as to whether you liked it, or if you have any other questions about moss, its uses, and any other question of that sort, please do send a message, drop a message. I will be happy to reply you.